यूपी के एक वकील को सीएम योगी के खिलाफ ट्वीट करना महंगा पड़ गया। इस वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वकील के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं वकील की पहचान अब्दुल हन्नान के रूप में हुई है। दरअसल राज्य के सूचना विभाग के मीडिया एडवाइजर शलभ मणि त्रिपाठी ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में सीएए और एनपीआर का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई को सही बता रहे थे। शलभ मणि त्रिपाठी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, तुम कागज नहीं दिखाओगे और दंगा भी फैलाओगे तो हम लाठी भी चलवाएंगे, घर बार भी बिकवाएंगे और हाँ पोस्टर भी लगवाएंगे। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अब्दुल हन्नान ने रविवार को सीएम आदित्यनाथ को आतंकवादी बता दिया। एक दूसरे ट्वीट में हन्नान ने यह भी ऐलान किया कि वह प्रदर्शनकारियों को मुफ्त में कानूनी मदद मुहैया कराएंगे और हन्नान ने सभी संविधान के चाहने वालों से अपील की कि वह इस ट्वीट को शेयर करें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमने व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया है या फिर जेल भेज दिया है। साइबर सेल की टीम ने कुछ ही घंटों में आरोपी के ट्विटर अकाउंट का पता लगा लिया और इसकी जानकारी कल्याणपुर पुलिस को दे दी। कल्याणपुर इंस्पेक्टर अजय सीट के मुताबिक पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने मन्नान के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके एफबी सहित अन्य सोशल अकाउंट को भी जांचा गया जिसमें कई प्रकार के भड़काऊ पोस्ट मिले। एसपी के मुताबिक आरोपी से जुड़े कुछ लोग भी भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, इन सभी को ट्रेस कर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने लोगों से अपील की है कि वह सोशल अकाउंट का गलत इस्तेमाल न करें।